मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। सुबह की बज रही 11, थोड़ी देर पहले उठे, बढ़िया नींद करी यार। आज बच्चे को स्कूल नहीं जाना था, मस्त नींद करी है, नाश्ता पानी करते हैं, फिर देखते हैं आज का शेड्यूल क्या बनता है। जब से उठाऊँ यही चल रहा है, बारिश चालू बारिश बंद, बारिश चालू बारिश बंद। तबीयत से बारिश भी नहीं पड़ रही है और क्या बोला है, दिक्कत भी उतनी हो रही है। अब बोला वैसे कल कंप्लीट होगा। टाइम हो रहा है रात के 8, वही दोपहर के बाद कुछ नहीं किया, घर बैठे रह गए। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, वेदर वाज ऑफ एंड ऑन, एंड थोड़ी देर आराम भी किया, यूट्यूब पर टीपी किया। ऐसे ही बेसिकली सैटरडे था, इट गॉट वेस्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ प्लान्स बनाए भी नहीं कहीं जाने के, एंड अब टीवी पे कंतारा आने वाली है, सो वो बैठ के देखेंगे क्योंकि उसकी स्टार्टिंग आज तक नहीं देखी है। और हल्की हल्की बारिश चालू हुई है, पूरा दिन ही जल गया है। देखो कंतारा मैंने पहले भी देखी है, एंड आई मस्ट से ऋषभ शेट्टी टू गुड यार, एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक यार। कुछ भी बोलो, उनका डायरेक्शन बोलो, उनका जिस हिसाब से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, एंड हिज एक्टिंग इज बैंग ऑन। मज़ा आ जाता है जब ये पिक्चर देखते हैं। नहीं टाइम हो रहा है रात के 11:20, खाना पीना डन, और कंतारा पिक्चर देख ली, मज़ा आ गया। जब भी आती अपने तो देखते हैं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग मूवी, नो डाउट अबाउट इट। डैड एंड हिमांशु दे आर स्टिल इन कांडला, एंड आई डोंट नो व्हेन दे आर कमिंग बैक। 1 या 2 बजने का बोल रहे हैं, देखते हैं अगर तब तक जाग सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो बॉस क्या बोला है, ऐसी है अपनी लाइफ। बाकी ऑफिशियल चैनल पर वीडियोज़ आ रही हैं रेगुलरली, उससे पता चल जाएगा हम लोग की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। भाई नए नए क्लाइंट्स को चेस कर रहे हैं नए नए बिजनेस के लिए, एंड उम्मीद करते हैं मटेरियलाइज हो जाए, कुछ ना कुछ अच्छा होना ही चाहिए। बाकी ईयर एंडिंग चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, टैक्सेस से रिलेटेड जो पेपर वर्क है वो प्रोसेस कर रहे हैं। बाय गॉड उस चक्कर में तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, पेमेंट्स आ नहीं रही हैं, कस्टमर्स को रिमाइंडर मार दिए पेमेंट्स के लिए, 1 महीने से ऊपर का क्रेडिट हो गया है, लेकिन नोबडी इज पेइंग द मनी। कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज भैया फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, वो बेसिकली जो बोलते हैं टैक्सेस फाइल कर रहा है, सो इसमें ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं बोल सकते पेमेंट निकालो पेमेंट निकालो, कॉपरेट करना पड़ता है, कर रहे हैं, सेविंग्स ड्राई अप हो रही है, लेकिन दैट्स हाउ बिजनेस इज। एक सीज़न अच्छा रहेगा तो एक सीज़न में आपको अपने जेब से खाना पूर्ति करनी पड़ेगी, कोई ना यार, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वेदर को देख के तो यही लगता है कि भाई रात को भी हल्की फुल्की बारिश तो एक्सपेक्टेड ही है। देखो चांद छुपा बादल में, कल संडे है, मोस्ट प्रॉब्ली कल वॉशिंग मशीन लगाएंगे। वैसे तो लास्ट वीक वॉशिंग मशीन लगा दी थी, सारे कपड़े धो लिए थे, लेकिन संडे के दिन मैं सोच रहा हूँ वॉशिंग मशीन लगा के बाकी के जो कपड़े वो भी धो लेता हूँ, तो मेरे ऊपर ही लोड कम होगा भाई, ज़्यादा कपड़े धोने के होंगे नहीं तो सुखाने की भी दिक्कत नहीं होगी, फटाफट वो काम भी निपट जाएगा। सो 99.9% टुमारो मॉर्निंग वी विल बी डूइंग द लॉन्ड्री, दी ओनली थिंग इज कि पावर कट नहीं होना चाहिए। और आज का वॉक छोटा हो गया, इनफैक्ट बहुत छोटा हो गया, सो ये वॉक को कल कंटिन्यू कर देंगे, सो दैट भैया 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस भी नहीं डाल सकते ना, बहुत छोटे हो जाएंगे। एनीवेज गाइस, इट्स गुड नाइट फॉर नाउ, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर एंजॉयिंग द कंटेंट, आई विल सी यू टुमारो, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 11 और आज है रविवार। भैया व्लॉग लाने का प्लान तो था नहीं, लेकिन कल का वीडियो छोटा हो गया इसलिए आज कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। बाकी कल बिग बॉस में बहुत बड़ा कांड हुआ है, बॉस एलविश यादव की बेसिकली क्लास लगाई है सलमान खान के हाथों, ये तो होना ही था, दिस वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड। देर वॉज अ टाइम जहाँ पर एल्विश ने बिग बॉस को सलमान खान को दबा के रोस्ट किया था, तबियत से रोस्ट किया था, बॉलीवुड को भी नहीं बख्शा था। अब वो इन बेचारों के हत्या चढ़ गया है, तो ये लोग भी अपना कसर तो पूरी करेंगे,
एक चीज़ बड़ी बुरी लगी, उसकी मॉम को तब बुलाया टीवी स्क्रीन के ऊपर व्हेन एल्विश वाज क्राइंग एंड इट्स लाइक यू नो पूरी उसकी फजीत करने के बाद उसके मॉम को उसके सामने ले आए ताकि वो मेंटली टूट जाए एंड दिस इज़ व्हाट टीआरपी गेम इज़ ऑल अबाउट। सीरियसली शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सुबह के 4:30 बजे तक अपन जाग रहे थे, उसके बाद नींद आई है। तब तक तो पापा और हिमांशु नहीं आए थे, ये लोग उसके बाद ही आए हैं। तो उसके हिसाब से भाई हिमांशु इज स्टिल स्लीपिंग आई थिंक, सो ही इज क्रैश्ड आउट प्रीटी बैडली। डैड उठ चुके हैं, चाय कॉफ़ी पियेंगे, फिर फटाफट शर्मा निकलेंगे। प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि आई वाज सपोज टू वॉश द क्लोथ्स, लेकिन फ़िलहाल नहीं होगा। अब गाड़ी अपने घर के इस तरफ पार्क करी इस बार, ये है कांडला की मेहरबानी। थोड़ी देर पहले नियॉन मैन का एक वीडियो आया जिसमें बिग बॉस रिलेटेड उन्होंने कुछ बात करी है कल के एपिसोड में क्या ट्रांसपायर किया एंड देख लिया मैंने वो वीडियो। He is saying that Salman basically reprimanded Elvish for the language he used for baby ka. Okay. और उसमें उन्होंने Elvish की मॉम को भी बुला लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आफ्टर ऑल जो क्रिएटिव टीम चाहती है वही होता है शो में। मुझे एक बात बताओ, Elvish ने बुरी लैंग्वेज यूज़ करी बेबी का के लिए, तो आपने Elvish की मॉम को बुला लिया, Elvish को reprimand किया, और बेबी का ने एक दूसरी बंदी के लिए शी गॉट फिजिकल, उसको गंदी गंदी बातें बोली, बीबिका के पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया? एक जिया ने साबुन वाला पानी पिला दिया था Elvish को, उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया? दो यार डोंट यू नो सलमान खान एंड टीम बिग बॉस, आप हिपोक्रेट हो तो मत ही बनो। एक्सेप्ट करो इस बात को दैट Elvish इज ब्रिंगिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीआरपी फॉर योर चैनल एंड आप लोग को लगा कि आप Elvish के साथ उसकी मॉम को भी ले लेंगे फ्रेम में तो और आपका टीआरपी बढ़ेगा। आपको सही गलत से कोई मतलब नहीं है, आप टीआरपी के भूखे हो, उस चक्कर में आप किसी के भी कपड़े फाड़ लोगे। आज Elvish है, कल कोई और होगा। टाइम ऑलमोस्ट 1:15 और सामान ले लिया है, अब जा रहे हैं वापस घर के लिए। चाय पानी करेंगे फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। फ्री है तो वीडियो एडिट करके भी रख देंगे। टाइम है रात के 9:30, टीवी पे आ रही है गुमराह स्टारिंग आदित्य कपूर एंड रोनाल ठाकुर अलॉन्ग विद रोनित रॉय। मज़ा आ रहा है, जिस दिन इस पिक्चर का ट्रेलर आया था मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। आई वॉन्टेड टू वॉच दिस मूवी इन थिएटर, अनफॉर्चुनेटली उतर चुकी थी, अभी टीवी पे आ रही है। फैंटास्टिक है, अभी तक 1 घंटे की निकली है, मज़ा आ गया। डिनर में है लौकी के पराठे और प्याज की चटनी।